नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब प्रदेश के लोगों को बालू की मिलेगी होम डिलीवरी। इस वित्तीय वर्ष में 34,000 किलोमीटर में सड़क के निर्माण की बिहार सरकार कर रही है तैयारी। यूपी गंडक प्रोजेक्ट से बिहार सिंचाई के लिए अपने हिस्से का लेगा पानी। एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना। 2019 विश्व कप में सेमीफाइनल में मिली हार पर धोनी का बयान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब प्रदेश के लोगों को बालू की मिलेगी होम डिलीवरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जानकारी दी है कि अब प्रदेश में लोग घर बैठे ही बालू खरीद सकेंगे। सरकार द्वारा लोगों को बालू की होम डिलीवरी दी जाएगी। इसके लिए राज्य द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है बालू मित्र पोर्टल होगा। पोर्टल जब तैयार हो जाएंगे तो लोग इस पर विजिट कर बालू खरीद सकेंगे। सरकार द्वारा यह पहल इसलिए शुरू की गई है ताकि लोग आसानी से बालू खरीद सके। इस दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन ने बालू आपूर्ति के लिए कंपनियों के चयन के लिए निविदा निकाल दी है। यह व्यवस्था एजेंसी के चयन के बाद 2 महीने में प्रभावी कर दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 34,000 किलोमीटर में सड़क के निर्माण की बिहार सरकार कर रही है तैयारी। इस चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार का फुल फोकस ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 34,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण बिहार सरकार करवाने वाली है। जल्द ही 10,000 किलोमीटर लंबाई में सड़कों का टेंडर कर निर्माण शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी द्वारा दी गई है। इसके साथ ही 12,000 किलोमीटर लंबाई में रखरखाव की सड़कें, नए बनावट की सड़कें करीब 5,000 किलोमीटर लंबाई में होंगे और अपग्रेडेशन की सड़कों का निर्माण 7,000 किलोमीटर की लंबाई में होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा 950 पुलों के निर्माण का फैसला लिया जाएगा। साथ ही सड़कों के मेंटेनेंस होती रहे इस पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। यूपी गंडक प्रोजेक्ट से बिहार सिंचाई के लिए अपने हिस्से का लेगा पानी। यूपी के गंडक नदी से बिहार भी सिंचाई के लिए अपने हिस्से का पानी ले सके। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयारी की गई है। यूपी सिंचाई विभाग के गंडक परियोजना संभाग से गंडक पश्चिमी नहर प्रणाली से सारण मुख्य नहर में जलसवाव के लिए पानी की मांग की जाती है। इससे पहले गंडक नदी से सिंचाई के लिए बिहार और यूपी अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से पानी की मांग करता है। फिर बिहार और यूपी की मांग के अनुरूप वाल्मीकि नगर बराज के संचालन प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बराज से पानी छोड़ा जाता है। यह पानी पहले यूपी पहुंचता है, फिर यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से सारण मुख्य नहर के शून्य बिंदु पर बिहार के हिस्से का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। यूपी से समय पर पानी मिल सके इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा इसकी जिम्मेवारी सिवान के सिंचाई सृजन के मुख्य अभियंता को सौंपी गई है। इसलिए अब यूपी के सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों से मुख्य अभियंता समय पर पानी के लिए अनुरोध करेंगे। एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना। सुस्त पड़े मॉनसून के बाद एक बार फिर से प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच पटना समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बीते दिन भी पटना और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में हल्की वर्षा देखने को मिली थी। मॉनसून के ठंडे बस्ते में जाने से प्रदेश के कई जिलों में तापमान में अचानक बढ़ोतरी के साथ उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। नीट पेपर लीक मामले में भुवनेश्वर से गिरफ्तार आरोपियों को पटना लेकर आई सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब भुवनेश्वर तक पहुंच चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में भुवनेश्वर से 3 और अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें रंजीत कुमार, अमित प्रसाद और धीरेन्द्र कुमार का नाम शामिल है। गिरफ्तारी के बाद इन्हें बुधवार को पटना में सीबीआई के विशेष दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद
इन्हें 5 अगस्त के लिए रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी मिली है कि ये तीनों की आरोपित सेंटर गैंग के सदस्य हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि इनसे पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नवादा मध्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने प्रतिबंधित कफ सिरप किया बरामद। पश्चिम बंगाल से झारखंड के रास्ते एक मिनी ट्रक से भारी मात्रा में कोडिकन युक्त प्रतिबंधित कप सिरप लाई जा रही थी, जिसे नवादा मध्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कामयाबी करते हुए बरामद की कर लिया है। यह कार्रवाई झारखंड की सीमा पर गोविंदपुर जिले में स्थित चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच में के दौरान की गई है। इस दौरान पुलिस ने चालक सह तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान करीब 200 कार्टन नामक कोडिन युक्त कप सिरप बरामद किए गए हैं। इसकी कीमत बाजार में करीब 25 लाख के करीब है। कम वर्षा के कारण धान की रोपनी पर पड़ रहा है असर। बिहार में कम वर्षा के कारण इसका सबसे ज्यादा असर धान की खेती पर पड़ रहा है। खरीफ सीजन के धान की सिंचाई करने में किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक केवल 55% भूमि पर ही धान की रोपाई हो पाई है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार वर्षा सामान्य से कम हुई है। आपको बता दें कि जून का महीना धान रोपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस दौरान कम वर्षा के कारण इसका खेती पर बड़ा असर पड़ रहा है। रिश्वतखोरी के आरोप में तरैया प्रखंड के अंचला अधिकारी पर सरकार का शिकंजा। छपरा के तरैया प्रखंड में पदस्थापित अंचला अधिकारी श्रेया मिश्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप में कार्रवाई कर इसका ट्रांसफर कर दिया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पत्र भी जारी किया गया, जहां पत्र के जरिए कहा गया है कि श्रेया मिश्रा प्रभारी अंचला अधिकारी तरैया सारण को प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना मुख्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अधिकारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिनमें वह 500 रुपए के नोटों का बंडल लेती दिखाई दे रही हैं। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पैसे वे किसी काम के एवज में ले रही हैं। पटना डीएम के नाम पर कार संचालक द्वारा किया जा रहा फर्जीवाड़ा आया सामने। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के नाम पर एक बड़ी कंपनी के शोरूम में संचालक ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। मामले की खबर सामने आते ही डीएम एक्शन मोड में आ गए हैं। दरअसल मामला पटना के सगुना मोड़ का है। यहां अमर ज्योति किया शोरूम में संचालक ने जिला अधिकारी को बिना जानकारी दिए उनके नाम का प्रयोग किया। इस शोरूम का उद्घाटन 5 अगस्त को होना था। इसके लिए लोगों के बीच निमंत्रण पत्र भी बांटा जा रहा था। निमंत्रण पत्र पर लिखा था कि मुख्य अतिथि के तौर पर पटना की मेयर सीता साहू और जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह मौजूद रहेंगे, जबकि एजेंसी मालिक ने उद्घाटन के मौके पर जिलाधिकारी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। बावजूद इसके मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी का नाम लिखा था, जिसके बाद लोगों को भ्रमित कर धोखाधड़ी के मामले में इस कार एजेंसी पर पुलिस ने छापेमारी की है और मैनेजर समेत 2 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। पटना गया ढोभी NH की बाधाएं दूर करने को लेकर डीएम ने दिए निर्देश। जल्द ही NH 83 पटना गया ढोभी के निर्माण में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी और यहां मिट्टी भराई का काम शुरू होगा। साथ ही अनधिकृत निर्माण को भी यहां से हटाया जाएगा। सरस्ताबाद से नुथुरपुर मिसिंग लिंक निर्माण के निरीक्षण के दौरान डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा इसे लेकर निर्देश भी दिया गया है। इस संबंध में NHAI के पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि पकड़ी में करीब 5.5 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य बाधित है। यह मामला अभी कोर्ट में है। इस संबंध में सदर SDO को डीएम ने निर्देश देते हुए कहा है कि पुलिस बल की नियुक्ति कर के और NHAI से समन्वय कर व्यवधान दूर करे। जल्द मुजफ्फरपुर से नई जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा परिचालन। वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन मुजफ्फरपुर जंक्शन से नई जलपाईगुड़ी के बीच होने वाला है। उम्मीद है कि वंदे भारत का यह परिचालन अक्टूबर महीने से शुरू हो
आपको बता दें कि रेलवे द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव मुजफ्फरपुर से नई जलपाईगुड़ी टाटानगर रांची और बनारस के लिए तैयार हुआ था। इसे लेकर सर्वे भी करवाया गया जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत मुजफ्फरपुर और नई जलपाईगुड़ी के बीच देखी गई। दोनों ही स्टेशनों के बीच की दूरी करीब 446 किलोमीटर है। वंदे भारत के परिचालन से इस सफर को तय करने में करीब 6 घंटे का समय लगेगा। इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 130 किलोमीटर की रफ्तार से होने वाला है। राजद का डबल इंजन की सरकार पर तंज। राजद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार बिहार समेत देश में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर से राजद ने अपने पोस्ट के जरिए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में इन दिनों सुबह उठते ही लोग पहले ये चेक करते हैं कि आज किस परीक्षा पर पर्चा लीक हुआ है, कौन सी ट्रेन कहाँ पटरी से उतरी है या किसी और ट्रेन से लड़ गई है, कितने मरे हैं, कितने बचे हैं। आगे राजद ने पोस्ट के जरिए लिखा कि 2014 के बाद कौन सा पुल किस नदी में गिरा, कोचिंग सेंटर में कितने छात्रों की जान गई, फिर ये कहां अवैध निर्माणों की वजह से कितना बड़ा भूस्खलन। माले सांसद ने रेलवे बजट अलग से पेश करने की कर दी मांग। लोकसभा के बजट सत्र में रेलवे से जुड़े कई मुद्दों पर आरा से माले सांसद सुदामा प्रसाद ने अपनी बातें रखी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि ट्रेन में दलालों के जरिए आसानी से कंफर्म टिकट मिल जाता है। आगे उन्होंने मांग की कि रेलवे का अलग से बजट पेश होना चाहिए। अलग से रेलवे का बजट पेश नहीं होने से विभाग की महत्ता कम होती है, इसका महत्व घटता है। मेरी राय है कि आने वाले समय में रेलवे का बजट अलग से संसद में पेश किया जाना चाहिए। नए संसद भवन की छत से पानी टपकने के मामले में कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद ने कसा तंज। नए संसद भवन की छत से पानी टपकने का मामला सामने आया है। अब इस पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि केवल छत लीक नहीं हो रही है बल्कि पीएम मोदी और भाजपा पूरे देश में लीक करने और कराने का खेल कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश में आए दिन परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। वहीं अयोध्या मंदिर में भी पानी टपकने के मामले पर उन्होंने कहा कि मोदी राज्य ने जिन जगहों पर प्रचार प्रसार के साथ विकास के दावे किए गए सभी जगह लीक ही लीक साबित हुआ है। मोदी का विकास ऐसा है कि चंद मिनटों में बारिश में पूरा शहर तालाब बन जाता है। 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में मिली हार पर धोनी का बयान। साल 2019 में विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हो रहा था। इस दौरान भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए 10 गेंद में 25 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर एमएस धोनी को देख सभी भारतीय फैंस के बीच एक आशा थी कि धोनी तो मैच फिनिश करेंगे ही। धोनी की मौजूदगी में सभी को पूरी उम्मीद थी कि इंडिया फाइनल में जाएगी, लेकिन इस मुकाबले में धोनी रन आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा। लेकिन धोनी से जब इसे लेकर एक फैंस ने सवाल किया तो धोनी ने कहा कि यह एक मुश्किल पल था क्योंकि मैं जानता था कि यह मेरा आखिरी विश्व कप होगा, इसलिए अच्छा होता अगर हम जीत जाते, यह एक दिल टूटने वाला पल था, लेकिन हमने से स्वीकार किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुतों लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, रवि कुमार गुप्ता, ओमकार सिंह, अब्दुल रहमान, रंजीत मिश्रा, विनीता भारती, गौरी शंकर, वेद प्रकाश सिंह, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मुन्ना कुमार, कैफी, तुलसी देवी, कंचन रानी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, संसद में रेलवे का बजट अलग से पेश करने की मांग पर आपका क्या कहना है? आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।